व्यवहार में औचित्य का समावेश। ये जगत बड़ा विचित्र है, इसमें अनगढ़ एवं सुगढ़ दोनों प्रकार के व्यक्ति रहते हैं। इच्छित प्रकृति की सुसंस्कृत व्यक्ति ही सदा मिलते रहें, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी के साथ अनावश्यक उदारता बरतने की भावुकता अंततः बड़ी महंगी पड़ती है। संपर्क क्षेत्र में इसी कारण एक सामान्य वर्गीकरण एवं स्तर के अनुरूप अपने व्यवहार में हेर फेर अनिवार्य हो जाता है। एक कठिनाई वहां आती है जहां अनगढ़ों से वास्ता पड़ता है। ये विचित्र प्राणी अहंकारी और दुराग्रही तो होते हैं, निजी विवेक के सहारे किसी निर्णय पर पहुंचना उनके वश की बात भी नहीं रहती। ऐसों के लिए प्रताड़ना से सुधार अपना काम नहीं, शासन तंत्र का है। ऐसे में टकराव से बचना ही उचित है। अनगढ़ दुराग्रहियों के प्रति वैसा ही रुख रखा जाए जैसा कि मनोरोगियों के प्रति रखा जाता है। न तो क्षमाशील बना जाए, न ही उपचार से विमुख हुआ जाए, लेकिन सत परामर्श मान ही लिया जाएगा, ये नहीं सोचना चाहिए। अनिति के प्रति असहयोग व्यक्त ही नहीं, चरितार्थ भी करना चाहिए। सच्ची आदर्शवादिता यही है। जब एकाकी साहस जुट पड़ता है तो स्वतः ऐसे व्यक्तित्व पीछे पीछे खींचे चले आते हैं। अनगढ़ों में भी परिवर्तन होकर ही रहता है। अखंड ज्योति, जून 1983, पृष्ठ 1।